तो हम लोगों ने अभी लास्ट की क्लासेस में मोड और मीडियन ये दो टॉपिक निकालने सीख लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करना, वो एक्चुअली में आप लोगों का टॉपिक है मीन। अभी यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें जो मीन तो वाला टॉपिक है, इसमें से मीन कैलकुलेट करने के तुम्हारे पास टोटल यहाँ पर कितने तरीके हैं? 3 तरीके आप यूज़ करोगे जिसके वाया मीन को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें से एक तरीका आपने 9th स्टैंडर्ड में पहले ही सीख चुके हो, बट यहाँ पे उस तरीके को नाम दे दिया गया है करके। सो एक मेथड जो यहाँ पे सीखने वाले हो दैट इज़ आप लोगों का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो एक तरीका है जिसके वाया तुम मीन निकाल सकते हो। दूसरा होता है अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। और जो तीसरा तरीका होता है आप लोगों के पास, वो तीसरा तरीका होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इन तीनों तरीकों से हम लोगों को क्या करना है, मीन निकालना, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आज की क्लास में हम लोग जो चीज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे वो है मीन, बट कौन से वाले मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड तुम लोगों की बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें ज़्यादा रिमार्क लगाने की कोई नीड नहीं होती। जैसे मोड कितना अच्छा था, प्यारा सा छोटा सा, तो वैसे ही तुम लोगों की डायरेक्ट मेथड भी अच्छी है, प्यारी सी छोटी सी। तो देखो पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखने हैं आप लोगों के डायरेक्ट मेथड को लेकर, वो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। टोटल हमें यहाँ पे 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तुम्हें शायद याद होगा कि जब हमने मोड पढ़े थे तो मोड में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स रिक्वायर्ड होते थे। पहला कॉलम क्या होता था? जो क्लास इंटरवल आपके पास है, और दूसरा कॉलम क्या होता था? उसकी फ्रिक्वेंसी। और कोई टेंशन लेने की उसमें नीड नहीं होती थी, इतना प्यारा होता था मोड का। वैसे ही जो तुम्हारा डायरेक्ट मैथड है, कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब 3 कॉलम्स कौन से? सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है तुम लोगों के पास xi, ठीक है। जो पहला कॉलम है आप लोगों के पास वो होता है xi। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है, दैट नेक्स्ट कॉलम इज fi। fi का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद जो यहाँ पे चौथा कॉलम आप लोगों के हाथ में आता है, दैट चौथा कॉलम इज fixi। याद आ गया होगा, 9th स्टैंडर्ड ये वाला काम किए हो, है ना। fixi मतलब सिंपली आपने क्या किया, f और i को, मतलब f और x को सिंपली क्या कर दिया, करके मल्टीप्लाई कर दिया, बस खत्म। तो अभी हम लोग आज डायरेक्ट मेथड सीखेंगे, और स्टेप डेविएशन और अज्यूमिंग मेथड जो भी आप लोगों की है, ये आने वाली क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस में हम इनको सीख लेंगे करके, ठीक है। तो पहले तो मैं तुम्हें सिंपल टॉपिक से क्या कहते हैं आप लोगों का डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना सिखाती हूँ, और उसके बाद फिर डायरेक्ट मेथड को किस तरीके से, उसके और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के लिए ऑब्वियसली आप लोगों के पास कोई ना कोई फॉर्मूला होगा करके, जिस फॉर्मूला के वाया आप ये वाली मेथड से मीन कैलकुलेट करते हो। तो याद करो जो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा है, 9th क्लास में क्या सीखा है कि अगर तुम लोगों के पास fi है और अगर तुम लोगों के पास xi है, तो क्या किया जाता है, fi और xi के सारे जो भी अपन ने मल्टीप्लिकेशन निकाले हैं, उन सारे मल्टीप्लिकेशंस का, यानी कि सारी की सारी fi xi का समेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म समेशन? समेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज एडिशन, बराबर। वो चीज़ क्या होती है, दैट इज़ एडिशन करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को दिक्कत होगी, ठीक है। fi xi कैलकुलेट कर लो, और सारी की सारी fi xi जो भी निकल के आएगी, उस पूरी की पूरी fi xi का आप क्या निकाल लेना करके, समेशन निकाल लेना करके, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का पहला। अच्छा, उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमको क्या करना है, पार्ट नंबर 2, जैसे मैंने समेशन ऑफ fi xi कैलकुलेट किया है, वहाँ पे आपको एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड दैट थिंग इज़ व्हाट, दैट थिंग इज़ आप लोगों का समेशन ऑफ fi, ठीक है। यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, उन सारी फ्रीक्वेंसीज का तुम लोगों को क्या करना है, करके एडिशन करना है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट मेथड में। अच्छा, और एक और चीज़ बता देती हूँ कि समेशन ऑफ fi को हम लोग कैपिटल N इस सिंबल से भी डोनेट करते हैं, तो अभी डिनोट करते हैं, सॉरी नॉट डोनेट। अच्छा, अब उसके बाद अगर तुम्हें मीन कैलकुलेट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से एक्स बार, ठीक है। ये ऐसा मीन इक्वल टू वॉट, एक्स बार, ठीक है, ये उसका सिंबल होता है। एंड डायरेक्ट मेथड से उसका फॉर्मूला आएगा, समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi। ये है आप लोगों के डायरेक्ट मेथड से निकलने वाला फॉर्मूला, बराबर।
यानी कि कभी भी अगर तुम्हें डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का ये तरीका है आप लोगों के पास। इस तरीके के वाया आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, मीन कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा अभी देखो, इस क्वेश्चन में आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इंटरवल नहीं दिया है। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें क्लास इंटरवल वाला भी करके दिखाऊंगी, बट ऑफिस की वो क्लास इंटरवल वाला जो क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। ये आप लोगों के आज का पार्ट वन वीडियो है, ठीक है। मीडियम के टोटल वीडियो जो हमें चार पार्ट्स में कवर करेंगे, तो ये तुम लोगों का पार्ट वन का वीडियो है। इस पार्ट वन वाले वीडियो में मैं कहीं भी किसी भी प्रकार के क्लास इंटरवल के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। देख लो तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स इज नथिंग बट इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी, है ना। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, आप लोगों की फ्रीक्वेंसी तो है। तो ऐसे केस में यहाँ पे लेकिन जो ऊपर है, क्या वो ऊपर वाली क्वांटिटी तुम लोगों का कहीं से भी तुम्हें ऐसा लगता है कि वाली क्वांटिटी आपकी क्लास इंटरवल है? तो इमेजिन अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया है, ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया है और बिना क्लास इंटरवल के अगर वो तुमसे बोलता है कि मीन कैलकुलेट करो, ठीक है, बिना क्लास इंटरवल के अगर आपसे मीन कैलकुलेट करता है। मैं एक क्वेश्चन वाला भी सिखा दूंगी जस्ट इसी के बारे वाले वीडियो में कि अगर क्लास इंटरवल दिया होता और फिर अगर मीन कैलकुलेट करने को कहता तो फिर हम लोग किस तरीके से करते हैं। बट राइट नाउ अभी फिलहाल इसमें सीखते हैं, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कोई भी क्वांटिटी, मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको इस चीज़ को रिजम्बल करता है कि नंबर ऑफ थिंग्स आप लोगों के पास कितनी है, तो वो वाली चीज़ आपकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, बराबर। चलो ठीक है, तो यानी कि अगर कोई मुझसे यहाँ पे बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सआई, सो यहाँ पे जो ये लिखा है करके टर्म वेट, और वेट के बाजू में जो ये लिखा है करके इन केजी, ये कुछ और नहीं बल्कि ये मेरा एक्सआई है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, ये नंबर ऑफ वर्कर्स वाली चीज़ तुम लोगों की क्या है करके एफआई है। सो अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करूँ, यानी कि एफआई मल्टीप्लाई बाई एक्सआई, तो ये वाला काम मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो। अच्छा, तो अभी एक्सआई वगैरह सब कुछ तो एकदम हमारे हाथों हाथ हम लोगों को चीज़ें करके दे दी गई हैं, करके ज़्यादा तो कुछ दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो देख लो फिर क्या होगा करके आप लोगों के पास चीज़ें कैसी क्या गिवन है। तो यहाँ पर याद रखना, गिवन पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 60, फिर आ गया 64, उसके बाद 68, उसके बाद 70, अच्छा, और उसके बाद फिर आ गया 72। तो इस तरीके से मेरे पास एक्सआई की क्वांटिटी क्या है, दी हुई है। अभी आगे बढ़ते हैं एफआई की तरफ। तो एफआई वाली क्वांटिटी दी है कि नहीं दी है करके, तो हाँ आप लोगों को एफआई भी दिया हुआ है। सो एफआई यानी कि कितना दिया हुआ है, वो 3 आ गया। और उसके एक मिनट, ठीक है एक मिनट, हाँ तो ये एफआई कितना दिया है यहाँ पे, ये 60 के लिए 3, 64 के लिए 2, 68 के लिए 2, 70 के लिए 2 और 72 के लिए 1 करके, बराबर। अच्छा, एफआई एक्सआई मतलब आपको एफआई और एक्सआई को मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, 180, और उसके बाद ये वाली चीज़ हो जाएगी आपके पास 256, और 68 इंटू 2 तो ये हो गया 136, 70 इंटू 2 दैट विल बी 140, एंड 1 इंटू 72 विल बी 72 इटसेल्फ। तो ये मेरे पास कुछ क्वांटिटीज निकल के आ गई, ठीक है, जिनको आप बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों का ऐड करना है। तो इफ़ यू डू एडिशन, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ऐड करते हो तो ये आ गया आपके पास 4, ऊपर कैरी 1, तो 16, और उसके बाद ये दो 20, 28, ये 8, और 4, 5, 6, 7, 84, ये आता है मेरे पास इसका कैलकुलेशन। यानी कि यहाँ से एक बात तो समझ में आती है करके कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये वाली चीज़ मेरे पास कितनी है, 784। एंड मुझे तो एफ आई का भी समेशन करना था, यानी कि इस चीज़ का भी समेशन करना था, है ना। तो समेशन ऑफ एफ आई यहाँ से आप लोगों के पास कितना निकल के आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी 12, सो दिस कम्स आउट टू बी 12। सो समेशन ऑफ एफ आई यहाँ से कितना निकल के आ गया है, 12। तो अभी हम लोगों को मीन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कौन से वाले मेथड से हम लोगों को मीन कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट मेथड से। सो देयर फोर बाय डायरेक्ट मेथड, ये वाला आप कौन सा मेथड लगा रहे हो वो वाली चीज़ को ना थोड़ा मेंशन करना, क्योंकि मीन में एक्चुअल में 3 तरीके हैं। अगर पेपर में तुमसे ऐसा पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर मेथड से आप कैलकुलेट करो, तो उस पर्टिकुलर मेथड से कैलकुलेट करना। बट अगर पेपर में ऐसा पूछा ही नहीं है कि कौन सी वाली मेथड या कुछ भी बोल रहा है, किसी भी मेथड से आपकी चॉइस है, तो सबसे इजी होती है डायरेक्ट मेथड, उसी को यूज़ करना।
तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 784 अपॉन मी समेशन ऑफ एफ आई दैट कम्स आउट टू बी 12. सो 12 से अगर इसका मैं डिवीजन कर दूँ तो 12 5 60, 12 6 72, तो 6 बचेगा. और 0 अगर मैं कैरी करवा दूँ यानी क्या आ जाएगा 65.3. ये आ गई आप लोगों के पास मीन की वैल्यू. तो जो आंसर आ जाए ना उसको क्या कर लेना, इस तरीके से बॉक्स बना लेना करके, ठीक है, ये आपका बॉक्स है. अच्छा, अब उसके बाद लास्ट लाइन देखो, लिखना नहीं भूलना करके कि देयरफॉर आपके इसमें मीन कैलकुलेट कर रहे थे, वो भी किस चीज़ का, फाइंड द मीन वेट ऑफ दी वर्कर्स. तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे करके कि देयरफॉर आप लोगों का जो लास्ट लाइन है वो कितनी है. सो देयरफॉर मीन वेट ऑफ दी वर्कर्स, ठीक है, ये वर्कर्स लोगों का मीन वेट कितना निकल के आ रहा है ऑफ दी वर्कर्स इज 65.3 kg करके, बराबर, ठीक है. ये वाला लाइन जो मैंने लिखा है समझ गए हो. तो ये हो गया आप लोगों का मीन कैलकुलेट करना डायरेक्ट मेथड से. मैंने अभी यहाँ पे तुम लोगों को एक भी क्लास इंटरवल नहीं दी थी. इवन आज का जो तुम्हारा पूरा का पूरा होमवर्क है वो उन क्वेश्चंस पे डिपेंड, मतलब उन क्वेश्चन के बेसिस पर है करके, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल भी करके क्लास इंटरवल नहीं दी जा रही है करके, ठीक है. तो टोटल आज तुम लोगों को अगर जो शीट दी गई है उस शीट में से आपको टोटल 10 सवाल करने हैं. 1 से शुरू करोगे और 10 पे रुकोगे, ठीक है. और टोटल वैसे उसमें 15 क्वेश्चन है बट करने आपको आज 10 ही हैं. बचे हुए 5 क्वेश्चंस वो तुम लोगों के कल का होमवर्क रहेगा, ठीक है. बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस हैं वो कल का होमवर्क रहेगा. और जैसा मैंने बताया कि डायरेक्ट मेथड में अगर क्लास इंटरवल आ गया तो फिर कैसे करेंगे. तो एक्चुअली मैं इसीलिए इसको ना तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हर मेथड को आपको विदाउट क्लास इंटरवल और हर मेथड को विद क्लास इंटरवल सॉल्व करते कैसा आना चाहिए करके, ठीक है. सो फिलहाल हम लोगों ने आज विदाउट क्लास इंटरवल वाला टॉपिक सीखा है. अच्छा, अब इसका जैसा एक और इलस्ट्रेशन लेने का मुझे कोई सेंस बैठता नहीं है, ये कॉलम ऑलरेडी 9th में किया हुआ है, सो नो नीड ऑफ इट. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा अपन एक नेक्स्ट पार्ट का देख लेते हैं. देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ना इस पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं. आप लोगों को इस क्वेश्चन में मीन की वैल्यू करके दी हुई है, और मीन की वैल्यू तो दी हुई है करके, लेकिन यहाँ से क्या किया उसने, आपको पी कैलकुलेट करने का बोल रहा है. यानी कि देखो, एक्स आई के कॉलम में उसने क्या कर दिया करके, पी प्लस 5 लगा के रखा है करके, ठीक है. वहाँ पे क्या लगा दिया है, पी प्लस 5. तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स आई के कॉलम में आपको पी दिखे या पी प्लस 5 दिखे, कुछ भी कहीं पे भी कोई भी वेरिएबल वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है. सो पहले तो हमने एक्स आई लिख लिया, सो ये आ गया 2 4 6 एंड ये 10. अच्छा, उसके बाद एफ आई कितना है यहाँ पे, अच्छा 2 4 6 10 और साथ में पी प्लस 5, ये भी एक एक्स आई है. एफ आई कितना है, 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद अगेन 3 है, फिर 1 है, और उसके बाद फिर क्या है, 2 है. अब एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो, ठीक है. तो जैसे ही तुम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या पैटर्न क्रिएट हो जाएगा करके. अच्छा, ये रहा 2 × 3, ये हो गया 6, ये 4 2 8, 6 3 18, 10 1 10. अच्छा, पी प्लस 5 के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी दी है, 2. अब इसमें ना कई लोगों ना ये अंडा दे देते हैं कि 2 को वो सिर्फ पी से मल्टीप्लाई करते हैं. अरे 2 को 5 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 2p और प्लस में कितना आ जाएगा, 10. अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एफ आई एक्स आई का समेशन निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर सेट करो, यानी कि प्लस 10 यहाँ का, 10 ये 18, ये 8 और ये 6, वो 2p ऐड नहीं होगा, 2p आप लोगों का वैसा ही रह जाएगा करके, ठीक है. सो ये आएगा 2p, सारे नंबर्स को अगर मैंने ऐड कर लिया, सो सारे नंबर्स मेरे पास एडिशन करने के बाद कितने क्रिएट हो गए, 52. सो यानी कि 2p प्लस 52. वैसे ही सारी फ्रिक्वेंसीज को भी आप ऐड कर लो, तो सारी फ्रिक्वेंसीज ऐड होकर कितनी आ गई हैं, 11. सो हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं करके कि हमारे पास क्या क्या है. सो हमने जब फ्रिक्वेंसी का समेशन किया तो वो निकल के आया 11. जब हमने समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई किया तो वो कितना निकल के आया, 2p प्लस 52, ये आया. और उसके अलावा इस क्वेश्चन में तुम लोगों को ऑलरेडी मीन निकाल के भी दिया हुआ था, और मीन कितना दिया हुआ है करके क्वेश्चन में ऑलरेडी 6. तो ऐसे सवालों में ना कभी भी तुम याद रखना, फ्यूचर में जब तुम लोग अज्यूम मीन मैथड और स्टेप डेविएशन सीखोगे तब ये पी वाले कैलकुलेशन वाले जो सवाल होते हैं उनको कभी स्टेप डेविएशन या अज्यूम मीन मैथड से मत करना, क्योंकि फालतू के लंबे चौड़े मेथड है कैलकुलेशन ज़्यादा है करके. आपका डायरेक्ट मेथड करके बहुत ही सिंपल मेथड है, तो डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना करके, ठीक है. सो बाय डायरेक्ट मेथड अगर आपको मैंने मीन कैलकुलेट करने को दिए हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय मीन, मीन इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई,
ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, इट इज़ 2p+52 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई यानी कि 11 और मीन दिया है आपको 6. सो इफ़ यू डू कैलकुलेशन देन इट विल कम्स आउट टू बी 66-52 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा. अच्छा, और उसके बाद फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी आप लोगों के पास, 66 में से 52 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो वो निकल के आ जाएगा 14 और 14 इक्वल टू 2p. सो देयरफॉर यहाँ से p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7. इस क्वेश्चन में पूछा भी आपसे यही था कि पी की वैल्यू कैलकुलेट करो, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी इज करके कितना आप लोगों का, 7 करके. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न के सवाल मिल सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारे से नन्हे मुन्ने से सवाल हैं. अच्छा, अब उसके अलावा एक पैटर्न और देख लो. ये पैटर्न फिर हम लोगों का आखिरी पैटर्न है. जैसे ऊपर में आपने पी कैलकुलेट किया, पी यानी कि एक वेरिएबल. अब यहाँ पर तुम लोगों को कितने वेरिएबल कैलकुलेट करने, F1 और F2. अभी जो तुम लोगों की लास्ट शीट चेक होकर मिली है, जो डिस्कस हुई थी स्टैटिस्टिक्स को लेकर, जिसमें हम मीन वाला टॉपिक कर रहे थे, उस मीन वाले टॉपिक का ही आई थिंक ये चौथा क्वेश्चन कुछ था. मैंने उसमें कहा था एक इंसान अगर 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है तो उसको उतना आता होगा, और तुम्हें ये सॉल्व करके भी दिखाया था बट उसके बाद भी कई लोगों को नहीं बन रहा था. तो ये उन लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ क्वेश्चन कि कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन. शायद ये वैल्यू देख के तुम्हें याद आ गया हो, नहीं आया तो लास्ट हमने जो मीन वाली मीडियन वाली जो शीट डिस्कस की उसका क्वेश्चन नंबर 4 रही है. ठीक है, चलो. तो क्लास इंटरवल तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है. सो एक कॉलम होगा एक्स आई का, एक कॉलम होगा एफ आई का और एक कॉलम होगा आपके एफ आई एक्स आई का. ठीक है, सो एक्स आई कितना है, इट्स कम्स टू बी 1012, यहाँ पे आ गया 3 और फिर 4 और फिर आ गया 5. ठीक है, यहाँ आ गया हम लोगों के पास. अच्छा, एफ आई कितना है, 0 के लिए 46, 1 के लिए F1, 2 के लिए F2, 3 के लिए 25 और 4 के लिए 10, और उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जगह अच्छी रहेगी. अच्छा, 5 के लिए ये वाली क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 5 करके. ठीक है, सो ये आ गया. अच्छा, ऊपर 0 नहीं प्रिंट लिखा है, इसको कर दिया. अभी एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, तो 0 × 46 इट विल बी 0, 1 × F1 दिस विल बी 1, 2 × F2 इट विल बी 2F2, 25 × 3 दैट विल बी 75, 4 × 10 40 और 5 × 5 = 25. ठीक है, हो गई यारी चीज़. अच्छा, अब यहाँ पे फटाफट सारे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को ऐड कर दो. देखो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक एफ वन है और एक एफ टू है, यानी कि एफ वन प्लस आपका 2 × F2 ये एस आई का ऐसा ही रहेगा, प्लस बाकियों को प्लस करना, यानी कि ये दोनों आपके, सॉरी ये तीनों आपके ऐड होंगे. सो अगर तुम ये एडिशन करोगे तो ये एडिशन कितना आ गया, 140. यानी कि यहाँ से मुझे ये पता चल गया है करके कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को अगर मैं ऐड करती हूँ देन इट कम्स आउट टू बी F1 + 2 × F2 प्लस कितना आपका, 140 बराबर. साथ ही साथ में अभी यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई को भी कैलकुलेट कर लो. सो समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, देखो F1 और F2 तो ऐड नहीं हो सकते, सो F1 + F2 वैसे ही रहेगा. 25, 10 और 5 इनको अगर मैं ऐड कर दूँ ये कितना हो जाएगा, 40. तो यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई कितना आ जाएगा, 40, यानी कि समेशन ऑफ F1 + F2 + 40 ये आ गया समेशन ऑफ एफ आई. अब इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है, क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को रीड करो. 1.46 क्या है, किसकी वैल्यू है, तो 1.46 एक मीन की वैल्यू है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है. सो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम लोग लिख देंगे करके कि मीन इक्वल टू कितना आपका, 1.46. सो देयरफॉर अब यहाँ पे हम लोग कौन सी वाली मेथड अप्लाई करेंगे, बाय डायरेक्ट मेथड. तो अगर तुम डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास देखो मीन यानी कि एक्स बार, ये चीज़ कितनी कैलकुलेट होकर आती है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये आ जाएगा. अच्छा, अभी मीन कितना दिया है, 1.46, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, इट इज़ F1 + 2 × F2 प्लस आपका 140 और समेशन ऑफ एफ आई कितना है, F1 + F2 प्लस कितना आ जाएगा, 40. अभी ये जो 1.46 है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ पूरे के पूरे आपके उस टर्म से. अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे वो ये है कि आपको यहाँ पे टोटल कितना दिया है, 200, यानी कि किस चीज़ का टोटल है, एफ आई का टोटल है, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पे भले ही हमने कैलकुलेट करके निकाला है बट यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई क्वेश्चन वाले ने भी दिया था और क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग जो समेशन ऑफ एफ आई है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है, ये वाला पार्ट गिवन है. तो अब तुम बताओ एक ही क्वेश्चन में क्या दो समेशन ऑफ एफ आई हो सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं,
यानी कि ऊपर वाला जो समेशन ऑफ एफ आई है और जो आपने नीचे समेशन ऑफ एफ आई निकाला है, ये दोनों इक्वल है। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो देयर फोर एफ वन प्लस एफ टू, यहाँ से कितना कैलकुलेट होकर आ गया आप लोगों के पास 160। ठीक है, एफ वन प्लस एफ टू की वैल्यू कितनी आ गई, 160। अच्छा ठीक है, इसको हम देखेंगे, यूज़ कर लेंगे करके बाद में कभी। अच्छा अभी इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ देखो कि जो समेशन ऑफ एफ आई है, यहाँ पगले के समान ये वाला वर्ड मत यूज़ करो। आपको समेशन ऑफ एफ आई कितना दिया हुआ है, 200 गिवन दिया है। सो डायरेक्टली यहाँ पे क्या पुट करो, करके 200 पुट कर दो। ठीक है, तो अच्छा अब ये 200 को मल्टीप्लाई करने को मैं ले जाती हूँ किसके पास, 1.46 के पास। सो ये 1.46 जब तुम्हारे 200 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 292। और उसके बाद प्लस 140 को मैं यहाँ ले आई तो माइनस 140। सो एफ वन प्लस टू एफ टू इक्वल टू ये इतना आया। तो ये इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 292 में से अगर 140 को माइनस करवा दूँ, सो 292 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 60 प्लस आप लोगों का 92। तो 90 प्लस 60 हो जाता है 150, और साथ में अगर इसको जोड़ देंगे दो को तो हो जाएगा 152 करके। ठीक है, सो यहाँ से ये चीज़ मेरे पास आ गई आप लोगों के कि आ गया आपका एफ वन प्लस आपका टू टाइम्स ऑफ एफ टू इक्वल टू कितना, 152। दिस कम्स आउट टू बी माई इक्वेशन नंबर टू। अभी जैसा हम लोगों को पता है इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग आपका इक्वेशन नंबर टू और फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन करके। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ एफ वन की जो साइन है वो साइन कैसी है, इक्वल है। सो ये हो गया एफ वन प्लस यहाँ पे आ गया टू एफ टू इक्वल टू ये कितना आ गया, 152। सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज, तो एफ वन कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एफ टू इक्वल्स टू, एक मिनट, कुछ मैंने लगता है अंडा दे दिया है, मुझे चेक करने दो। जहाँ तक मेरा आइडिया है कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर मुझसे, अरे एक गड़बड़ देखो मेरी ये हो गई कि यहाँ पे जो ये 46 है ना, इस 46 मैंने देखो इन तीनों को ऐड किया, मैंने 46 ऐड तो किए ही नहीं, इसका मतलब ये 40 नहीं है, इसका मतलब ये 86 है। ठीक है, अच्छा और अगर ये 86 है तो यहाँ पे भी ये 86 है, और अगर ये 86 है तो फिर उसके बाद यहाँ पे 200 माइनस 86 मतलब 114। ठीक है, ये आएगा, इसीलिए तो वो नेगेटिव आ रहा था तो क्लिक हो गया कि कुछ गलत है, 114। सो यहाँ पे 152 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना आप लोगों का, 114। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, ऊपर में, सॉरी यहाँ तो वही आएगा 152, ये ऊपर में आ जाएगा करके कितना, 114। अच्छा अभी अगर ये 114 आ गया है तो अब तुम कर लो माइनस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आएगा 52 में से, आपको मतलब 100 तो वैसे ही माइनस हो चुका है, बस इतना करना है करके कि 52 में से माइनस कर देना है 14, तो ये कितना हो जाएगा, 38। सो देयरफॉर एफ टू की वैल्यू यहाँ से कितनी कैलकुलेट होके आ गई, 38। बट मुझे तो एफ वन भी कैलकुलेट करना है, सो एफ वन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस एफ टू की वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे। सो पुट एफ टू इक्वल टू 38 कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर वन। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन, एफ वन प्लस एफ टू यानी कि 38 इक्वल टू कितना होता है, 114। ये इस तरीके से होता है। सो अगर मैं 114 में से तुम्हारा 38 इस क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सो देयरफॉर एफ वन की वैल्यू कितनी निकल के आई, 76 करके, ये ऐसे। ठीक है, अच्छा तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करनी थी, मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ वन एंड एफ टू। सो बस लास्ट लाइन लिख दो और आंसर आ गया कि देयरफॉर मिसिंग फ्रिक्वेंसीज आर, ये स्टेटमेंट करके। ठीक है, मिसिंग फ्रिक्वेंसीज आर 76 एंड 38 रिस्पेक्टिवली करके। ठीक है, ये डन हो गया हमारा सवाल। तो ये था तुम लोगों का डायरेक्ट मेथड जिसमें आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया है। ठीक है, जिसमें आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया है, बट मान लेते हैं अगर आपको क्लास इंटरवल दिया होता और क्लास इंटरवल में फिर आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करनी होती तो क्या करते। ठीक है, तो फिलहाल अभी तुम लोग इस चीज़ को याद रखो कि बिना क्लास इंटरवल के कैसे करना है, क्लास इंटरवल के साथ कैसे करना है, ये मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताती हूँ। ठीक है।